तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी कोई। तो इंडिया न्यूजीलैंड का फर्स्ट ओडीआई मैच कल सुबह खेला जाएगा 7 AM में। ये मैच आपका ईडन पार्क में खेला जाएगा, न्यूजीलैंड का ईडन गार्डन में इंडिया का मैच खेला जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को हल्का सा भी स्किप मत करना। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बेस्ट एनालाइजर, टीम प्रेडिक्शन, टॉस, मैच सभी कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। पिच रिपोर्ट तक भी मिलेगा, बेस्ट टीम बना के आपको दूंगा। तो वीडियो को हल्का सा स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मैच ईडन पार्क में आपका खेला जाएगा 25 नवंबर 7 AM में ये मैच खेला जाएगा। 6:30 AM में आपका टॉस हो जाएगा। आप इन दोनों टीम के लास्ट हेड टू हेड मुकाबले देखेंगे तो 5 मैच यहाँ न्यूजीलैंड जीता है, तो 5 मैच यहाँ इंडिया जीता है। बात करें लास्ट 5 मैच का तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, 60% मैच यहाँ फर्स्ट बैटिंग जीता है, तो 40% मैच यहाँ सेकंड बैटिंग जीता है। बात करें पिच का तो ये आपको बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, ये पेसर्स को ज्यादा मदद करता है। आप इस पिच का विकेट रिकॉर्ड देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन के ऊपर। लास्ट 10 मैच में से पेसर्स से यहाँ 103 विकेट निकाला है, तो स्पिनर यहाँ 42 विकेट ही निकाल पाए है। इसी पिच का दोनों टीम का लास्ट 10 मैच देखेंगे तो न्यूजीलैंड अपने लास्ट 10 मैच में से 70% मैच जीता है, तो इंडिया यहाँ अपना लास्ट 7 मैच अभी तक खेला है जिसमें तो 42% मैच जीता है। तो यहाँ एवरेज स्कोर न्यूजीलैंड का 246 रन रहता है, तो इंडिया का 260 रन रहता है। हाई टोटल का बात करें तो न्यूजीलैंड का यहाँ 340 रन है, तो इंडिया का भी यहाँ 340 रन है। लोएस्ट स्कोर का बात करें तो न्यूजीलैंड इस पिच के ऊपर 149 रन मारा है, तो इंडिया इस पिच पे 108 रन ही मार पाया है। यहाँ दोनों टीम का टीम एनालिसिस आप देखेंगे तो देख सकते हैं टीम ओपनिंग में न्यूजीलैंड स्ट्रॉन्ग है इंडिया से हल्का सा, तो मिडिल ऑर्डर में इंडिया स्ट्रॉन्ग है न्यूजीलैंड से हल्का सा, बैटिंग डेम में न्यूजीलैंड स्ट्रॉन्ग है इंडिया से, तो पेस बॉलिंग में न्यूजीलैंड ही स्ट्रॉन्ग है इंडिया से, स्पिन बॉलिंग में इंडिया स्ट्रॉन्ग है न्यूजीलैंड से थोड़ा सा ज्यादा। तो आप यहां देख सकते हैं दोनों टीम का एनालिसिस देखें तो आप यहां दोनों टीम में खास कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर इंडिया का प्लेइंग 11 टीम देख सकते हैं। इंडिया के कैप्टन शिखर धवन रहेंगे, T20 का कैप्टन हार्दिक पांड्या रहते हैं। न्यूजीलैंड का प्लेइंग 11 टीम देख सकते हैं, देखते इसमें कोई चेंजेस आता है कि नहीं। कैप्टन यहाँ केन विलियमसन ही रहेंगे। जो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मैच का टॉस कॉल किस टीम का रहने वाला है, तो इस मैच का टॉस कॉल इंडिया का रहने वाला है। टॉस आपका यहाँ इंडिया जीतेगा। अगर कोई चेंजेस आता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से मैच से 1 या 1.5 घंटा पहले अपडेट कर दिया जाएगा, तो सभी को टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्वाइन होना। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ अच्छे प्लेयर्स को जो आप अपने फैंटेसी टीम में जरूर रखिएगा। तो सबसे पहले इंडिया की तरफ से आते हैं शिखर धवन, आपको इन्हें जरूर रखना है। देखिए ये जब भी स्टार्टिंग करते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और ये अच्छा परफॉर्मेंस इस मैच में करेंगे भी, ये फर्स्ट ओपनिंग में नामेंगे। तो बात करते हैं सेकेंड में सुमन गिल को भी रखना है, सेकेंड बैटिंग ऑर्डर पे आएंगे, इनको आप यहाँ जरूर रखिएगा, ये भी आपको अच्छा है ठीक ठाक रन बना के देंगे। आते हैं सूर्य कुमार यादव, तो सूर्य कुमार यादव को आपको यहाँ कैप्टन भी रख सकते हैं, इनको जरूर लेना, ये आपको बेहतरीन रन बना के देंगे। तो अब आता है बॉलिंग में कुलदीप यादव, इनको जरूर आपको लेना, ये आपको अच्छा विकेट निकाल के देंगे। दीपक चहर को भी ले सकते हैं, ये भी आपको अच्छा विकेट निकाल के दे सकते हैं। और राउंडर के तौर पे आप दीपक हुड्डा को भी ले सकते हैं, 6 नंबर बैटिंग ऑर्डर पे ये आएंगे। तो बात करेंगे न्यूजीलैंड के तरफ से डीवान को भी आपको ले लेना है, बैटिंग नंबर 2 पे ये उतरेंगे, आपको अच्छा रन बना के दे सकते हैं। फिन एलन को भी आपको ले लेना है, 1 नंबर बैटिंग ऑर्डर पे आएंगे। न्यूजीलैंड का जो ओपनिंग है काफी देर तक टिकता है, ये दोनों आपको अच्छा रन बना के दे देंगे। ग्रेन फ्लिप को भी आपको ले लेना है, बैटिंग नंबर 4 पे आएंगे। अब बॉलिंग में टीम साजी को आपको जरूर लेना है। फिर है कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर जिसे आप अपने ड्रीम 11 टीम में जरूर लीजिएगा, और मैं आपको बता दूं कि फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही दिया जाएगा टॉस के बाद, तो वहां सभी को ज्वाइन हो जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, मैच अपडेट के ऊपर आपको फैन टीम का लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करके आप ड्रीम 11 टीम चैनल में जा सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा दूं, ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, आप यहां जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको यहां कब एंट्री लेना है, लॉस कट बुक सेट करना है, सभी कुछ का अपडेट आपको यहीं पे दिया जाता है। तो अगर पैसा कमाना है तो यहां ज्वाइन जरूर होइएगा। और जो लोग फैन टीम खेलते हैं सिंपल किसी भी मैच अपडेट के ऊपर आएंगे, यहां आपको फैन टीम लिखा मिलेगा, बस आपको इस लिंक को ओपन करना है। यहाँ देख सकते हैं सभी मैच का यहाँ आपको टीम बना के दे दिया जाता है, आप यहाँ का टीम पिकअप कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा पॉइंट मिलेगा और आप जीतेंगे भी, हेड टू हेड मैच खेलिएगा। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमेशा और हर सारा अपडेट पाते रहने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के मैच में, टेक केयर, थैंक यू।